मेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जब हम एडोब या कोई फाइल ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऐसा एरर आ जाता है। इस एरर में लिखा हुआ है फोटोशॉप एक्स सिस्टम एरर। नीचे लिखा हुआ है द कोड एक्सक्लूजन कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज MSVP140.dll वाज नॉट फाउंड रिस्टोरिंग द प्रोग्राम मे फिक्स दिस प्रॉब्लम। इस तरह का एरर आ जाता है। इस एरर को कैसे सही करते हैं? ओके कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले गूगल पर जाना है, इसमें VC रन ऑल इन वन टाइप करके एंटर कर देना है। इसके बाद जो सबसे ऊपर आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है और नीचे इस पर क्लिक कर देना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसे ओपन करेंगे। हमारे सामने ये फाइल डाउनलोड हो गई है, इसे एक्सटर्नल कर लेते हैं। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको देख लेना है कि आपके PC में कौन सा बिट है। इसके लिए हमें दिस PC की प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। आप यहां से देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा बिट है, 32 बिट है या 64 बिट है। न्यू सभी कंप्यूटर में अधिकतर 64 बिट ही आता है। इसमें जो 64 बिट वाली फाइल है उसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, हमारा कंप्यूटर अगर 64 बिट का है तो हमें 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने हैं। इस तरह हमें एक एक को करके सभी 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने हैं। इससे हमारे कंप्यूटर में सभी तरह की एरर की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इसे रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद फोटोशॉप को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि फोटोशॉप रन होने लग गया है। इस तरह हमारे इस एरर का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आपको विंडो 11 में इस तरह की कोई परेशानी आती है तो आप इस एरर को इस तरह से समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कॉमेंट, शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।